हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग फंक्शनलिटी लेके आ गया हूं। दोस्तों, यहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ऑल इन वन कैलकुलेटर। यानी कि यहां पे आप लोग एक मतलब इस फंक्शनलिटी से आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। यानी कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जितने भी ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, आप सब कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 10 × 10 + 10 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 20। यहाँ पे अगर मैं 10 × 10 कर दूँ, 10 × 10 कर दूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा, 100। ये देखिए, अगर इसी तरीके से मैं 10 / 10 करूँ, यानी कि 10 - 10 करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। 10 / 10 करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, इस तरीके से देखिए 1 आया। इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे दोस्तों आज इस वाली फंक्शनलिटी पे। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोग को समझाने में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों, आप लोग को अगर CSS और HTML नहीं आता है तब आप लोग को ये प्रोजेक्ट नहीं देखना है। सबसे पहले HTML और CSS को कंप्लीट करना है आपको दोस्तों। आपको उस HTML CSS से रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कराया जा रहा है। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और CSS प्रोजेक्ट को पहले देखिए दोस्तों। अगर आपको HTML CSS नहीं आती है तो आपको बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट पे स्विच नहीं करना है। जब HTML CSS अच्छे से आ जाए तब आप जावास्क्रिप्ट पे स्विच करिए दोस्तों। आप हमारी बात मानिए, आपके भले के लिए बता रहा हूँ। आप अगर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड करने लगेंगे, आपको HTML CSS नहीं आता तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले काम आपको HTML CSS पूरा अच्छे तरीके से सीख लेना। जैसे मैं वेबसाइट वेब डेवलपमेंट कराता हूँ, उस तरीके का वेबसाइट आप लोग अगर बना सकते हैं अपने आप से, देखते ही आपको लगे कि हाँ मैं इस तरीके का वेबसाइट बना लूंगा, इसमें जितनी भी फंक्शनलिटी वो कर लूंगा CSS से, तो आपको फिर आगे स्विच करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट को स्विच करना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट पे डायरेक्ट आपको मेरा प्रोजेक्ट नहीं देखना है, जावास्क्रिप्ट का आपको सब्जेक्ट प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको देखना है दोस्तों। तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया गया, उसको देखिए, फिर प्रोजेक्ट में स्विच करिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं अपने वीएस कोड में और इसको अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ मैं वीएस कोड में, देखिए मैंने एक छोटा सा पेज बना लिया दोस्तों, ऑल इन वन कैलकुलेटर .html नाम का। इसमें बस छोटा सा कोड है, डिजाइनिंग आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग डिजाइन जरूर करिए दोस्तों, अपने आप से डिजाइन करिए, तभी आपका CSS और HTML भी इम्प्रूव होगा। यहाँ पे देखिए एक पेज नाम का क्लास है, इसमें सारे हैं। सबसे पहले H1 से लिखा गया है ऑल इन वन कैलकुलेटर। यहाँ पे योर रिजल्ट इज हियर, यानी इसमें रिजल्ट दिखेगा। ये जो स्पैन टैग है इसमें देखिए, H2 के अंदर एक स्पैन टैग लगा हुआ है जिसकी आईडी रिजल्ट है, यानी इस यहाँ पे रिजल्ट हमारा दिखेगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग डायनेमिक नंबर अपडेट करेंगे अभी आगे, है ना। यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले जो पेज है उसका डिजाइन क्या है, ये देखिए पेज को मैंने डिजाइन किया दोस्तों। सबसे पहले विद इसका दिया है, हाइट दिया है, बॉर्डर दिया है, मार्जिन दिया है। मार्जिन 50 पिक्सल, ऑटो का मतलब ये हुआ कि ऊपर टॉप से थोड़ा मूव होकर नीचे आ जाए, ऑटो का मतलब लेफ्ट राइट से बराबर बराबर जगह छोड़ दे, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम अगर आप करेंगे तो ये एक कॉलम में आ जाएगा सब, यानी एक कॉलम में ये लिखा रहेगा, एक कॉलम में ये और एक कॉलम में ये, एक कॉलम में ये, यानी चारों ब्रेक होकर दिखेगा कॉल्यूम वाइज, है ना। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं करेंगे तो सब एक ही लाइन में दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्लेक्स जहाँ भी लगाइए, अगर आपको एक लाइन में नहीं दिखाना है तो उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए फ्लेक्स डायरेक्शन को। उसके बाद पेज का जो H1 है उसको कलर दिया है हमने, पेज का H2 है उसको कलर दिया है। पेज में जो इनपुट फील्ड है उसका डिजाइन कुछ इस तरीके का है। पेज में जो बटन है दोस्तों उसका डिजाइन इस तरीके का है, यानी जो ये पेज है इसमें इसके अंदर जो सारे कॉन्टेंट है वो यहाँ पे डिजाइन है दोस्तों। तो आपको देख के एडिटेड डिजाइन करना है, समझ के चलना है दोस्तों। आपको सबसे पहले HTML और CSS को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट पे स्विच करना है आपको। तो बिना देरी के चलते हैं, अपने स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लेता हूं मैं और फंक्शनैलिटी को अचीव कर लेता हूं। तो फंक्शनैलिटी हमारी क्या है कि हम इस बटन पर जब क्लिक करें तो हमारा फंक्शन काम करे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लूंगा मैं कैलकुलेट नाम का, कैलकुलेट नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अलर्ट पास करूँगा। तो अलर्ट मैंने इस तरीके से पास किया, मैं इस फंक्शन को कब कॉल करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं फंक्शन पूरा लिख देता हूँ। इस फंक्शन को मैं कब कॉल करूंगा, जब ये बटन पे क्लिक होगा, यानी कि यहाँ पे जब ऑन क्लिक होगा तब हम ये इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, कंट्रोल ओ करूंगा मैं ब्राउजर में इसको ओपन कर लूंगा। तो कंट्रोल ओ करके यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑल इन वन कैलकुलेटर है इसको मैं ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ। तो जब मैं जब जब जब, जब इस पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट होगा, ये देखिए मैं क्लिक किया अलर्ट हुआ, ठीक है। तो अब हमें क्या फंक्शनलिटी करना है, फंक्शनलिटी ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी लिखा जाए उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये नंबर सॉरी ये आपको रिजल्ट, यानी जिसमें आपको रिजल्ट दिखाना है वो स्टोर कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे वेरिएबल मैं रिजल्ट नाम का बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें document.getElementById मैं बोल रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जिसकी आईडी रिजल्ट है, ठीक
ठीक है, जिसकी भी आईडी रिजल्ट है वो सेलेक्ट हो जाए, यानी इसकी आईडी रिजल्ट है तो ये स्पेन टैग इसमें सेलेक्ट होके इस रिजल्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं नंबर नाम का, ठीक है। नंबर नाम का वेरिएबल क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये जो आईडी नंबर है इसको मैं इस नंबर में भेज सकूँ, इस नंबर वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी बनाइए दोस्तों, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। ये नंबर की जगह आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नंबर ही लिखिए, बस आपको जो भी आईडी यहाँ पे दी गई है वही डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, इसकी आईडी नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर इस तरीके से। अब हमें नंबर की वैल्यू चाहिए, तो लास्ट में क्या लगाएंगे आप, वैल्यू। हम क्या क्या चाहते हैं दोस्तों, हमें जो इसमें लिखा जाए, अभी मैं आपको चेक करूँ, अगर यहाँ पे अलर्ट में पास करूँ नंबर को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अलर्ट में मैंने पास कर दिया नंबर को, तो यहाँ पे अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में, यहाँ पे देखिए रिलोड करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, तो अलर्ट जब मैं क्लिक करूंगा तो अलर्ट में 1 2 3 4 आएगा, यानी वही नंबर आ रहा है जो यहाँ पे लिखा गया है। अब हम इस पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अलर्ट में मैंने चेक किया था, मैं रिजल्ट में चेक करता हूँ, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल करके, यानी रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल का दोस्तों ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि ये जो रिजल्ट है यानी ये जो स्पेन टैग है इसके अंदर चला जाए, क्या चला जाए, नंबर, जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो इसके अंदर चला जाए। अब मैं रिलोड करके चेक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ नंबर कोई और क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए नंबर आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगाऊंगा अगर मैं और इस तरीके से लिखूँ तो यहाँ पे प्लस होके आए, इस तरीके से ना लिख के आए, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, इवेल्युएशन मेथड, उसको बोलते हैं दोस्तों इवेल्युएट मेथड बोल सकते हैं आप, इवेल्युएशन मेथड भी बोल सकते हैं और इवेल मेथड भी आप बोल सकते हैं। तो लिखा इवेल जाता है दोस्तों, मेथड क्या है यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी देर के नंबर हटाता हूँ, इवेल मेथड होता है, इवेल इस तरीके से लिखिए, यानी ये जो भी लिखा गया वो इवेल्युएट हो जाए, एक कैलकुलेट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे नंबर पास करेंगे, यानी कि इस नंबर में जो भी आया है, यानी इस इनपुट फील्ड में जो भी आया है वो क्या हो जाए, इवेल्युएट हो जाए, यानी कि उसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। अब इसके साथ अब यहाँ पे देखिए इवेल्युएट, इसको इवेल्युएशन में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो इवेल मेथड है इसके अंदर बस आपको वो नंबर देना है जिसमें डेटा लिखा जा रहा है। तो लिखा डेटा कहाँ जा रहा है, इस नंबर में, यानी इनपुट फील्ड की जो डेटा है वो हम लोग इस नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इवेल्युएशन मेथड में नंबर को पास कर दिया है, तो अब जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, उसमें चला जाएगा, ठीक है, यानी कि वो कैलकुलेट होकर जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस 2, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, ये देखिए 4 आया। अगर मैं 2 × 2 करता तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको रिलोड करूंगा और यहाँ पे 2 × 2 लिखता हूँ, यानी 2, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और × 2, सॉरी 2 लिखूंगा सबसे पहले और × 2 लगाऊंगा, 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे 2 × 2 लिखता हूँ ताकि आप लोग को कैलकुलेशन भी आए समझ में। ये देखिए मैंने लिखा, अगर यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फंक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है दोबारा। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ, कोई एरर है क्या, कोई एरर नहीं है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा इवेल्युएशन मेथड है वो काम कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल मैंने पास किया यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे नंबर को मैंने पास किया तो हमारा काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा पेज को, यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऑपरेशन पास करूँ इसमें और 2 × 2 करूँ, 2 × 2 करूँ तो यहाँ पे इंटू होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 × 4 करूँ, यानी 2 और डिवाइडेड बाई 2 − 5 करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, -3 इस तरीके से देखिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, यानी कि 5 × 2 = 10। अगर मैं 10 × 50 करूँ इस तरीके से, मैं 50 करूँ तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 500 रिजल्ट, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो 500 रिजल्ट आए। इसी तरीके से आप कोई भी परफॉर्म करिए, 10 × 10 करिए तब भी रिजल्ट आपको मिलेगा इस तरीके से, है ना। 10 × 12 करिए तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए। तो जितनी बार आपको इसमें जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस लगाएंगे तो प्लस भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। नोट नोट करने वाली बात ये है दोस्तों इसमें, कि आपको जो ये इनपुट फील्ड है उसमें नंबर नहीं लेना है, ये जो टाइप रहेगा वो टेक्स्ट ही रहेगा तभी ये काम करेगा दोस्तों, है ना। तो इसको नंबर नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, सब कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशन होगा इसमें सब कुछ काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। तो डिजाइनिंग आप लोग जरूर डिजाइनिंग के साथ ही इंप्लीमेंट करिए कोड को दोस्तों। अगर आपको डिजाइनिंग नहीं करना आता है तो आप जावास्क्रिप्ट मत पढ़ जाए, मेरी बात मानिए, आप सीएसएस और एचटीएमएल को कंप्लीट करिए और डिजाइनिंग को इम्प्रूव करिए दोस्तों। मैं पढ़ा रहा हूँ सीएसएस वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, है ना, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ से पढ़िए, नहीं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमसे ही पढ़िए। अगर हमारा समझ में आए तो हमसे पढ़िए, नहीं तो आप कहीं से और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए दोस्तों। तो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते रहिए, ओके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।